हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शबनम वेलकम करती हूं आप सबका मेरे चैनल फूड्स बेनिफिट्स पर, जिसमें मैं आपको बताती हूं हर तरह के फूड से जुड़े इसके फ़ायदे, इसे खाने का तरीका, किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, इसके नुकसान आदि के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती हूं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को कर दीजिए थम्स अप, लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी अलग। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है प्रोबायोटिक्स पर कि प्रोबायोटिक्स क्या है और कौन कौन से फूड्स प्रोबायोटिक होते हैं, इसके क्या फायदे हैं और आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक्स एक अच्छी बैक्टीरिया है जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो हेल्दी रखने में हमें हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में अनगिनत बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे इंटेस्टाइंस में, हमारी आंतों में, जो हमें अलग अलग तरीकों से फायदा पहुँचाते हैं। कुछ ज़रूरी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, उसकी कमी होने पर उसे पूरा करने के लिए प्रोबायोटिक फूड्स या प्रोबायोटिक दवा या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेना पड़ता है। लैक्टोबैसिलस एक आम प्रोबायोटिक है फ्रेंड्स, जो दूध से बनी चीज़ों में अदर फर्मेंटेड किए हुए चीज़ों में मिलती है। फ्रेंड्स, जब बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तब प्रोबायोटिक फूड्स उन बैक्टीरियाज को बॉडी में बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज की कमी होती है एंटीबायोटिक्स लेने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रोबायोटिक्स के फायदे क्या क्या हैं। प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया को बैलेंस करने में हेल्प करता है, दस्त को रोकने में हेल्प कर सकता है। प्रोबायोटिक्स के सेवन से कुछ एलर्जी और एक्जिमा कम हो सकते हैं, ये मानसिक स्थितियों में भी सुधार करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक्स बॉडी को सही शेप देने में हेल्प करता है, पेट की चर्बी और वजन को कम करने में भी प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल है। अगर आप प्रोबायोटिक्स की दवा या सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, एंड प्रोबायोटिक फूड्स और सप्लीमेंट्स ज़्यादातर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे प्रोबायोटिक से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट में जलन, डायरिया, दस्त, गैस, सूजन। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो इसे लेना बंद करें और डॉक्टर से पहले बात कर लें। एंड ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को भी हेल्दी रखता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, रोज़ प्रोबायोटिक्स ना लें, मीन्स रोज़ प्रोबायोटिक वाली फूड्स ना लें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर देता है फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आंतों की जो समस्या होती है, उसको भी कम करने में सहायक हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रोबायोटिक फूड्स कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती है उसमें है दही, छाछ, पनीर, दूध, केफिर, घर की बनी हुई अचार, सोया मिल्क, डार्क चॉकलेट्स, एप्पल, ऑलिव यानी जैतून, चीज़, इडली, डोसा, ढोकला। मतलब आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि जितनी भी फर्मेंटेड की हुई चीज़ें हैं वो प्रोबायोटिक फूड्स हैं। फ्रेंड्स, दही ज़्यादातर सभी मार्केट से ही खरीदते हैं, बट अगर आप घर पे ही दही जमाएं और उसे खाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर केफिर की बात की जाए कि केफिर होती क्या है, तो फ्रेंड्स केफिर योगर्ट की एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है जो बकरी के दूध और फर्मेंटेड केफिर अनाज के मिक्सचर से बनती है। फ्रेंड्स, केफिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ ही इसमें अच्छे बैक्टीरिया भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडस, लेकिन आप इसे अच्छे फूड शॉप से ऑर्गेनिक केफिर ही खरीदें ऑलवेज। एंड फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक फूड्स में सावरक्राउट भी शामिल है जो एलर्जी को कम करने में हेल्प करती है। एंड ये विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, ये चारों विटामिन से भरपूर होता है। हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सावरक्राउट बहुत फायदेमंद है फ्रेंड्स। सावरक्राउट बंद गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिस तरह से अचार की चीज़ों को डब्बे में, जार में बंद करके कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से बंद गोभी को भी जो है जार में कुछ दिनों तक फर्मेंट किया जाता है, जिसे सावरक्राउट कहते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से मिसो सूप भी प्रोबायोटिक फूड है फ्रेंड्स। मिसो सूप बॉडी पर एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के प्रभाव को कम करने में और बॉडी को अल्कलाइन करके बॉडी से कैंसरकारी प्रभाव को रोकने में हेल्प करता है। इसके लिए आप गर्म पानी में एक चम्मच मिसो फर्मेंटेड राई, बीन्स, चावल या दलिया और उसके साथ चाहे तो जो प्याज के पत्ते होते हैं वो मिलाकर आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अचार भी प्रोबायोटिक फूड है, पर इसे घर पर बनाकर ही यूज़ करें। एंड पनीर भी आप घर पे बनाएं तो बेहतर है, वरना किसी अच्छे शॉप से खरीदें।
या फिर आप दूध वाले से भी पनीर ले सकते हैं। बहुत से दूध वाले पनीर बनाकर बेचते हैं, क्योंकि अक्सर मिठाई के शॉप्स में जो पनीर बिकती है उसमें गाय की दूध की मात्रा कम होती है और उसमें जो है डायरी वाइट नट जैसे अमूलिया ये सारी चीज़ें मिक्स होती है। इस मॉडर्न एज में फ्रेंड्स प्योर चीज़ें मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग बाहरी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं और खुद को जो है अंदर से वीक बनाते जा रहे हैं। फ्रेंड्स बड़ी इमारतों को सभी देखते हैं, पर उन इमारतों को बनाने के लिए न जाने धरती में कितने अंदर तक गड्ढे किए होंगे और धरती धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और इसी वजह से भूकंप भी आते रहते हैं। ये कोई नहीं देखता, क्योंकि सब खुद का विकास देखना चाहते हैं, इस धरती का नहीं, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं। ये प्लैनेट है तो हम हैं, इस प्लैनेट से हम हैं, हमसे ये प्लैनेट नहीं है। सो फ्रेंड्स खुद को सेफ रखें और इस प्लैनेट को भी सेव करने की कोशिश करें। पहल से ही सफ़र की जो है शुरुआत होती है। एनीवे गाइस, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी मदर अर्थ को लेकर, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो फ्रेंड्स आज मैंने आप सबको प्रोबायोटिक्स के बारे में बताया, ये होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कौन कौन से फूड्स में होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड ट्राई टू सेव आवर प्लैनेट। थैंक यू।